हेलो दोस्तों, देवी और सज्जनों, अगर आपका ज्योतिष अटक जाता है, मूवमेंट स्मूथ नहीं होता है, या आपको ज्योतिष के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके ज्योतिष सेटिंग में क्या गड़बड़ है। परफेक्ट ज्योतिष सेटिंग्स करने के लिए पहले आपको इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पता होना चाहिए। क्या जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है? जॉयस्टिक कितने साइज का होना है? क्या मुझे बड़े या छोटे जॉयस्टिक यूज करना है? और जॉयस्टिक का पोजीशन कहाँ होना है? ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली न्यू प्लेयर्स हमेशा पूछता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका कंट्रोल लेआउट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप लेआउट 1 या 2 यूज करते हो तो जॉयस्टिक का साइज एंड प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, क्योंकि लेआउट 1 एंड 2 में जॉयस्टिक इनपुट के लिए टच इनसेंसिटिव होता है। मतलब आपको टच एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। आप एग्जैक्ट बटन को दबाओ या मत दबाओ, गेम आपका कमांड को रजिस्टर कर लेगा, लेकिन सिर्फ जॉयस्टिक इनपुट के लिए, दूसरे बटन के लिए नहीं। टच इनसेंसिटिव एंड टच सेंसिटिव को मैं दूसरे वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेआउट 1 एंड 2 में टच इनसेंसिटिव होने के कारण स्क्रीन का पूरा आधा हिस्सा एक बड़े जॉयस्टिक की तरह काम करता है, और ये टच इनसेंसिटिव एरिया का साइज जॉयस्टिक पोजीशन से लेकर स्क्रीन का आधा हिस्सा साइज का होता है, सिर्फ लेफ्ट या राइट के लिए फिक्स नहीं होता है। प्रूफ के लिए इस क्लिप को देखो। मेरा फोन का बैक कवर का विड्थ स्क्रीन का एग्जैक्ट हाफ साइज है। टेस्टिंग के लिए मैंने जॉयस्टिक को स्क्रीन के बीचों बीच रख दिया है। आप देख सकते हैं, जब तक हम कवर के अंदर कहीं भी स्वाइप करता है तो जॉयस्टिक काम कर लेता है, और कवर के रेंज से बाहर चला जाने पर जॉयस्टिक काम करना बंद हो जाता है। तो ये क्लियरली प्रूफ करता है कि टच इनसेंसिटिव एरिया का साइज स्क्रीन का आधा हिस्सा साइज का बराबर होता है। टच इनसेंसिटिव एरिया के अंदर जॉयस्टिक का साइज एंड प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, लेकिन लेआउट 3 का मामला कुछ और है। लेआउट 3 में जॉयस्टिक टच सेंसिटिव होता है। टच इनसेंसिटिव एंड टच सेंसिटिव को मैं दूसरे वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी के लिए आप बस ये जानो कि लेआउट 3 में जॉयस्टिक बाकी सारे बटन की तरह काम करता है। अगर आप बटन को मिस किया तो जॉयस्टिक काम नहीं करेगा। मतलब आपको 100% टच एक्यूरेट होना पड़ेगा, नहीं तो आपका इनपुट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा। सिस्टम आपका थंब इनपुट इन्फॉर्मेशन को कैमरा को कंट्रोल करने के लिए यूज करेगा, आपका मूवमेंट्स के लिए नहीं। इसीलिए लेआउट 3 में आपको 12 जॉयस्टिक साइज यूज करना है, ताकि आप बटन मिस ना करें। हाई टच सेंसिटिव होने के कारण लेआउट 3 में आपको इनिशियली कंफर्टेबल नहीं होगा। आपका मूवमेंट इधर उधर चला जाएगा, और कभी कभी कैरेक्टर मूवमेंट की जगह आपका कैमरा पैन होगा। मतलब आपका मूवमेंट्स की जगह कैमरा ही लेगा। ये सब आपका टच इनएक्यूरेसी के कारण होता है। ऐसा नहीं होने के लिए आपको 100% टच एक्यूरेट होना पड़ेगा, क्योंकि लेआउट 3 बहुत टच सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी गलत इनपुट दिया तो आपका मूवमेंट भी गलत हो जाएगा। लेकिन हाई टच सेंसिटिव होने के कारण लेआउट 3 लेआउट 1 और 2 से ज्यादा एक्यूरेट मूवमेंट देता है। और फिर आता है स्प्रिंट और स्प्रिंट सेंसिटिविटी। दोनों सेम नहीं है, रिलेटेड तो है लेकिन सेम नहीं है। पहले हम बात करेंगे स्प्रिंट के बारे में। आपने नोटिस किया होगा बटन सेटिंग्स में दो स्प्रिंट बटन हैं। एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा जॉयस्टिक से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट स्प्रिंट को बोलता है एक्टिव स्प्रिंट बटन, क्योंकि इस बटन से हम इंस्टेंटली स्प्रिंट कर सकता है, हम इंस्टेंटली स्प्रिंट ऑफ एंड ऑन कर सकता है। और जॉयस्टिक से जुड़ा हुआ स्प्रिंट बटन को बोलता है पैसिव स्प्रिंट बटन। इसे पैसिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये छिपा रहता है और हम इसे दबा भी नहीं सकता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट हमें बटन का कुछ कंडीशन या डिमांड को फुलफिल करना है, और फुलफिल हो जाने पर वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। और वो कंडीशन है, आपको अपना स्वाइप जॉयस्टिक से लेकर पैसिव स्प्रिंट बटन तक ले आना है। अगर आप इस डिस्टेंस को सक्सेसफुली कवर करता है तो आपका स्प्रिंट लॉक हो जाएगा, मतलब पैसिव स्प्रिंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसे कम स्वाइप करेगा तो स्प्रिंट लॉक नहीं होगा। कैरेक्टर स्प्रिंट करेगा लेकिन स्प्रिंट लॉक नहीं होगा।
एग्जाम्पल के लिए इस क्लिप को देखो। मुझे अपना थंब को पैसिव स्प्रिंट बटन तक ले आने से पहले मेरा कैरेक्टर स्प्रिंट करना शुरू कर देता है, लेकिन मेरा बटन प्लेसमेंट के मुताबिक तो स्प्रिंट नहीं होना चाहिए। मैंने स्प्रिंट बटन को बहुत दूर रखा है, लेकिन फिर भी मेरा कैरेक्टर स्प्रिंट कर रहा है। इसका रीजन है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। बहुत लोग ये सोचता है कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी आपका स्प्रिंटिंग स्पीड को कंट्रोल करता है, कि आप स्प्रिंट सेंसिटिविटी को हाई रखेगा तो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी एक्सीलरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब आपका कैरेक्टर कितने जल्दी स्प्रिंट करना शुरू करेगा वो डिफाइन करता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। कितने स्पीड में स्प्रिंट करेगा वो नहीं, बल्कि कितने जल्दी स्प्रिंट करेगा। स्प्रिंट सेंसिटिविटी को आप लो या हाई में रखो, आपका कैरेक्टर सेम स्पीड में दौड़ेगा, स्प्रिंटिंग हमेशा सेम ही रहेगा। और कैरेक्टर का मैक्सिमम मूवमेंट स्पीड है 6.3 मीटर पर सेकेंड, 22.58 किलोमीटर पर आवर। कैरेक्टर 22.58 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में स्प्रिंट करता है, और नॉर्मल मूवमेंट स्पीड है 1.7 मीटर पर सेकेंड, 6.12 किलोमीटर पर आवर। पबजी में तीन टाइप के मूवमेंट होता है, वॉकिंग, जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग, लेकिन मोबाइल में हम सिर्फ जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग कर सकता है, वॉकिंग मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए मोबाइल का डिफॉल्ट मूवमेंट है जॉगिंग, और जॉगिंग स्पीड है 4.7 मीटर पर सेकेंड, 16.92 किलोमीटर पर आवर। आप जॉगिंग से स्प्रिंटिंग कितने जल्दी होता है वो डिफाइन करता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी, कितने स्पीड में स्प्रिंट करता है वो नहीं। स्प्रिंटिंग को आप लो या हाई में रखो, आपका कैरेक्टर सेम स्पीड में स्प्रिंट करेगा, बस स्प्रिंट एक्सेलरेशन में अंतर होगा। हाई स्प्रिंट सेंसिटिविटी में आप ज्यादा जल्दी स्प्रिंट करेगा, और लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी में आपको स्प्रिंट होने में थोड़ी देर लगेगा, क्योंकि आपको ज्यादा स्वाइप करना पड़ेगा लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी में। स्प्रिंट सेंसिटिविटी का स्केल इस तरह दिखता है। स्केल में आप देख सकता है हाई स्प्रिंट सेंसिटिविटी वैल्यू जॉयस्टिक से बहुत करीब है, और लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी वैल्यू जॉयस्टिक से दूर। इसका मतलब ये है कि हाई स्प्रिंट सेंसिटिविटी वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए आपको जॉयस्टिक से दूर स्वाइप करना नहीं पड़ेगा, और लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए आपको जॉयस्टिक से दूर स्वाइप करना पड़ेगा। लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपका कैरेक्टर स्प्रिंट नहीं होगा। स्प्रिंट सेंसिटिविटी को आप 0 में रखो या 100 में रखो, आपका कैरेक्टर स्प्रिंट करेगा, स्प्रिंटिंग हमेशा होगा, बस आपको ज्यादा स्वाइप करना पड़ेगा लो स्प्रिंट सेंसिटिविटी में कंपेयर टू हाई स्प्रिंट सेंसिटिविटी, बस वही डिफरेंस है। ज्यादातर लोगों को ये डिटेल्स पता नहीं होता है, इसीलिए उनके मूवमेंट स्मूथ नहीं होता है, कभी दीवार में चिपक जाता है, ऑब्स्टेकल पर टक्कर कर जाता है, तो कभी कवर से निकल जाता है, एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे अपना जॉयस्टिक को सेट करना है वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन करने से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरे सारे दूसरे वीडियोस के तरह, और शायद वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण ही मुझे व्यूज नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी चेक करें। वीडियोस लंबा जरूर है, लेकिन आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसा ट्यूटोरियल देखने मन है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बजट डिवाइस प्लेयर हूँ, इसीलिए मैं लो एंड बजट डिवाइस प्लेयर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हैं, यानी कच्चा खिलाड़ी अनूब, तो मेरा वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप बन जाओगे कच्चा खिलाड़ी से पक्का खिलाड़ी, यानी जीरो से हीरो, और आपका टीममेट आपका स्किल इम्प्रूवमेंट को देख के कहेगा, अरे भाई, अरे बाप रे, तू तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा।
बाय बाय।